हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर ऑफ द चैप्टर द यूनिकॉर्न्स ऑफ कब्रिस्तान। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। एंड प्लीज वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि क्वेश्चन आंसर आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर वॉज माइकल स्टेइंग? माइकल जो है वो कहाँ रह रहा था? आंसर, माइकल वॉज स्टेइंग इन कब्रिस्तान विद अ फैमिली फ्रेंड ओमर। तो माइकल जो है वो कब्रिस्तान में रह रहा था अपने फैमिली फ्रेंड उमर के साथ। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड माइकल नोटिस अबाउट द ग्लास बॉल एट फर्स्ट? तो पहली बार में ग्लास बॉल को देखकर माइकल ने क्या चीज नोटिस की? आंसर, माइकल नोटिस्ड दैट व्हेन ही फर्स्ट केम द फिगर ऑफ द यूनिकॉर्न इनसाइड द ग्लास बॉल लुक्ड टैन बट नाउ इट्स कोट इज अ रस्टी ब्राउन एंड इट सीम्स बिगर। माइकल ने ये चीज नोटिस की कि जब वो पहली बार आया और उसने उस ग्लास बॉल को देखा तो उसके अंदर जो यूनिकॉर्न था उसका जो कलर था वो टैन था, लेकिन अब उस यूनिकॉर्न का कलर चेंज होकर रस्टी ब्राउन हो गया है और वो अपने साइज में भी थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। तो ये चीज माइकल ने नोटिस की। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डिड माइकल कैच हिज ब्रेथ? माइकल हक्का बक्का क्यों हो गया? आंसर, When Michael noticed that the figure of the unicorn is in a different position, earlier its head was up and now its look as though it's grazing, it made him catch his breath. जब माइकल ने ये नोटिस किया कि यूनिकॉर्न का पोजीशन जो है वो चेंज हो गया है, पहले जो उसका सर था वो ऊपर था, अब उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि वो ग्रेज कर रहा है यानी कि चर रहा है, तो इसे देखकर माइकल जो है वो बिल्कुल हक्का बक्का रह गया। क्वेश्चन नंबर 4, What happened after Michael threw the ball to the ground? जब माइकल ने उस बॉल को जमीन पर फेंका तो क्या हुआ? Answer, when Michael threw the ball to the ground, an explosion knocked him down, the library windows blew open and the room filled with a wind so cold that his teeth clattered. A thick golden pool bubbled and from the middle of it, a unicorn's horn began to rise. A swirl of light almost blinded Michael. A muzzle followed with a beard of silver strands, then eyes, ears, neck and powerful shoulders. A unicorn appeared, sparks flowed down his body from head to tail, lighting up the room. जब माइकल ने उस ग्लास बॉल को जमीन पर फेंका तो एक विस्फोट हुआ और उस विस्फोट की वजह से माइकल जो है वो जमीन पर गिर गया। लाइब्रेरी के जो विंडोज है वो ओपन हो गए और जो पूरा रूम था वो बहुत ही ज्यादा ठंडी हवा से भर गया, जिसकी वजह से माइकल के जो टीथ हैं वो क्लैटर करने लगे यानी कि कटकटाने लगे। उसके बाद वहां पर एक थिक गोल्डन यानी कि एक बहुत ही मोटे सुनहरे कलर का पूल बबल गप हुआ और उस पूल के बिल्कुल बीच से यूनिकॉर्न का जो हॉर्न है वो राइज अप होना शुरू हुआ और उस पूल से एक लाइट निकल रही थी जो कि सर्कुलर मोशन में मूव कर रही थी और वो लाइट इतनी ज्यादा तेज थी कि उसकी वजह से माइकल को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, वो ऑलमोस्ट ब्लाइंड हो चुका था। उसके बाद उस गोल्डन पूल में से एक मजल राइज अप होता है। मजल मीन्स द नोज एंड माउथ ऑफ एन एनिमल और उस मजल के बियर्ड के जो स्ट्रैंड्स होते हैं वो सिल्वर कलर के होते हैं। उसके बाद उस गोल्डन पूल में से एक एक करके यूनिकॉर्न के बॉडी के अदर पार्ट्स राइज अप होते हैं, लाइक आईज, इयर्स, नेक एंड पावरफुल शोल्डर्स। उसके बाद एक पूरा का पूरा यूनिकॉर्न जो है वो उस गोल्डन पूल में से अपियर हो जाता है, मींस उस गोल्डन पूल से एक यूनिकॉर्न निकलता है और उस यूनिकॉर्न के हेड टू टेल से यानी कि उसकी फुल बॉडी से एक स्पार्क निकलता है जिसकी वजह से पूरा जो रूम है वो लाइट अप हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, वेयर डिड द यूनिकॉर्न्स गो? यूनिकॉर्न्स जो है वो कहाँ चले गए? आंसर, The first unicorn looked at Michael and lowered his head and then ran towards the rim of fir trees in the distance. The glory followed, their hoofs crunching softly in the snow, all of them disappeared into the dark line of trees. उस गोल्डन पूल में से जो फर्स्ट यूनिकॉर्न निकला था उसने माइकल की तरफ देखा और अपना सर झुकाया और उसके बाद रिम ऑफ फर ट्रीज यानी कि फर ट्रीज के किनारे की तरफ दौड़ता हुआ दूर चला गया। तो यूनिकॉर्न का जो ग्रुप था वो एक दूसरे को फॉलो करते हुए चले जा रहे थे और उनके हुफ्स यानी कि उनके जो खुर थे वो बर्फ पे काफी सॉफ्टली क्रंच कर रहे थे और उसके बाद अचानक से वो सभी यूनिकॉर्न्स घने काले पेड़ों की कतार में गायब हो गए। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिड उमर से अबाउट द यूनिकॉर्न्स? उमर ने यूनिकॉर्न्स के बारे में क्या कहा? आंसर, उमर सेड दैट ही हैड बीन सर्चिंग फॉर इयर्स टू फाइंड द की टू रिलीज देम। Legends say the unicorns were imprisoned at the time men started to wage war and for centuries the glass has been unbreakable. उमर ने कहा कि वो कई सालों से ये पता लगा रहा था कि किस तरह से यूनिकॉर्न्स को रिलीज किया जाए और उसने कहा कि लेजेंड्स का ऐसा कहना है कि ये जो यूनिकॉर्न्स थे वो उस वक्त से इस ग्लास बॉल में कैद हैं जब से आदमियों ने वॉर शुरू किया था और सदियों से ये जो ग्लास बॉल है वो
अनब्रेकेबल रहा है। सो दैट्स ऑल, होप आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। अगर आप कभी भी कुछ डाउट्स है देन गो थ्रू द वीडियो वन मोर टाइम, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। विल मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल देन बाय।